फ्रेंडली विद केमिस्ट्री बाय सीबीएस में आपका स्वागत है। आज की हमारी एक्सरसाइज है किसी भी सॉलिड फ्यूल का प्रॉक्सिमेट एनालिसिस प्रोसेस के द्वारा एस कंटेंट को चेक करना। तो उसमें हम इक्विपमेंट यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं मफल फर्नेस। ये हमारा मफल फर्नेस है। ये मफल फर्नेस है, ये इसका टेम्परेचर कंट्रोलर है, ये मेन सप्लाई है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से करके ऑन करते हैं। ये हमारा मेन इंडिकेटर है जो इस सप्लाई को शो करेगा। ये हीटिंग ऑन करेगा, ये इस तरीके से इसको नीचे करने पर ऑन होता है, ये ऑफ होता है। देखिए, आप इसको ऑन करेंगे, यहाँ पर आपका करंट टेम्परेचर शो होगा, यहाँ पर आपका सेट टेम्परेचर शो होगा, और इस एरो से हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं, इससे डिक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका जो टेम्परेचर आपने सेट किया हुआ है और जो हमारा करंट टेम्परेचर है इसके चैम्बर के अंदर का करंट टेम्परेचर है वो वहां पर सेट टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा, तो ये लाइट आपको इंडिकेट करेगी। ओके, ठीक है, ये इसका डोर है, ये इंसुलेटिंग मटेरियल का बना हुआ है, ये सर्विंग मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल का ये चैम्बर है। यहाँ पे हम लेता हेल्प ऑफ टॉम जिसमें हमने सैंपल को लिया है, इसे हम कहते हैं सिलिका क्रूसिबल। इस तरीके से आप इसमें रख देंगे। ठीक है, और डोर को क्लोज कर, और हमेशा आप इस चीज को याद रखेंगे कि हमें इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते समय ग्लव्स वेयर करना है और लॉन्ग टर्म का यूज करना है जिससे कि आप इंजर्ड ना हो। जैसे ही हमारा प्रोसेस कंप्लीट होता है हम डोर को ओपन करेंगे और यहां से हम ऑब्जेक्ट को निकालेंगे और डीसी की तरह रख देंगे इस तरह। इज इट ऑल एक्सरसाइज इज क्लियर? देन आप इसमें अगेन कंप्लीट करने के बाद डेसिकेटर में हम क्रूसिबल को क्यों रखते हैं? हम डेसिकेटर का यूज इसलिए करते हैं जिससे कि हमारा सैंपल मॉइस्चर गेन ना कर पाए आफ्टर हीटिंग। हम इसके कैलकुलेशन के बारे में आपको और बता दूं, हम क्रूसिबल को लेंगे, और हम यहाँ पर इसके तीन वेट नोट करेंगे। फर्स्ट, जब हमारा क्रूसिबल ब्लैंक है, ये देखिए, वेट लेने के बाद, ये हमारी मेन मशीन है, वेट लेने के बाद इसको नोट कर लेंगे। फिर हम सैंपल लेंगे, सैंपल लेने के बाद हम अगेन उसका वेट करेंगे। वेट करने के बाद आफ्टर हीटिंग हम इसको फिर अगेन दोबारा करेंगे, वेट कर लेंगे। वेट करने के बाद हम इन तीनों को नोट कर लेंगे, और जब फाइनल रिजल्ट है हमारा उसके लिए हम इसका बिफोर हीटिंग और आफ्टर हीटिंग दोनों की हीट में डिफरेंस है उसको कैलकुलेट करने के बाद हमें हमारा फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा, जिससे कि हम इसका एस कंटेंट को डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके।